लो जी, यहाँ रैपराणी के अंदर रुके हैं और यहाँ पे छोले कुलचे बड़े टेस्टी बनाता है बंदा। वैसे जो मेन पर्सन जो है वो यूपी गया हुआ है और यूपी के लोगों का आपको पता ही है कितनी स्वाद स्वाद चीज़ें बनाते हैं। तो देखते हैं आज कैसा टेस्ट है इसका। हींग हींग वाली चटनी भी डालते हो? हाँ जी, हींग वाली है। हींग वाली चटनी भी थोड़ी एक्स्ट्रा डालना, ठीक है? ठीक है सर। छोले कुलचे आ चुके हैं और माहिर भी जाग चुका है। माहिर ऐसे जाग गए जैसे माहिर ने भी खाने हो। तो देखिए इसके अंदर जो है ना हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा डालते हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है इनका। स्ट्रीट फूड है ये और रैपराणी के अंदर है ये। यहाँ पे एक आईटीआई है उसके सामने बिल्कुल खड़ा होता है यहाँ पे जो पर्सन है, अभी वो गया हुआ है। तो करते हैं स्टार्ट फिर हम खाना, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय बाय। माहिर को गुस्सा आ रहा है क्योंकि हम गा रहे हैं, वो खा नहीं सकता। देखो माहिर, माहिर आपको गुस्सा आ रहा है? ये मेरे हाथ से छीन रहा है बार बार। आपको भी खिलाएंगे, ठीक है? आप सिर्फ 6 मंथ और वेट करो। वो देखो माहिर ने फाड़ दिया, बहुत टेस्टी है ना, कैसा लग रहा है? चलते हैं। हम जा रहे हैं टिकट दाल। पहले हमारा प्लान कुछ और था कि रास्ता देखो आगे कितना सुंदर है। इस रास्ते से हम पहली बार आ रहे हैं। वैसे टिकट दाल जाने के कई रास्ते हैं। ये एक रास्ता इससे पहले था, एक ये रास्ता है, ठीक है? और एक उधर से आता है कोई और रास्ता है, और एक मोरनी से, मेन मोरनी से भी जा सकते हैं नीचे, लेकिन हम नए रास्ते से जा रहे हैं। बहुत अच्छा रास्ता है, देखो आप इंजॉय करिए। और इस मौसम में ये रास्ता और भी खूबसूरत हो जाता है। खूबसूरत है ना, इधर देखो हिल्स भी देखनी स्टार्ट हो गई पास। हिल्स तो काफी देर से दिख रही है। हरियाली हरियाली हरियाली। आज कुछ नया करते हैं, देखते हैं। माहिर हमारे साथ है, वैसे अगर माहिर ने तंग ना किया तो हमारा प्लान है कि आपको हम यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी दिखाने वाले हैं। क्योंकि लास्ट टाइम जब हम आ रहे थे नाइट में नीचे, मैं और टिप्सी थे उस टाइम, तो हमने एक सांभर देखा था, लेकिन जब हमने एक कैमरा ऑन किया इतने में वो सांभर चला गया था, क्योंकि हम डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते थे। लेकिन आज देखते हैं, आज हम गाड़ी के अंदर हैं और अगर कोई वाइल्ड लाइफ आती है तो एकदम से उसको कैच करेंगे। अभी हम टिकट दाल जा रहे थे लेकिन रास्ते के अंदर इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना, ये देखो आप कितनी प्यारी हवा चल रही है। और माहिर को देखो आप कैसे इसका फेस ग्लो कर रहा है, देखो। और इसके हेयर्स देखो कैसे उड़ रहे हैं। नोडी लग रहा है ये। नोटी, ये देखो पास से देखो, कार्टून है ना नोडी। बहुत मजा आ रहा है सच में, आज फैमिली के साथ तो बहुत मजा ही है। देखो चारों तरफ का आपको दिखाता हूँ व्यू, मैं कितना प्यारा व्यू। क्या देख रहे हो माहिर? फर्स्ट टाइम आया माहिर इतनी हवा में। देखो स्माइली फेस हो रहा है उसका, ये कहाँ आ गए हम। और देखो ना क्या बढ़िया सीन है, हिल्स दिख रही हैं चारों तरफ। हम यहाँ पे रुके हैं, आगे चिड़िया बैठी है, शायद इसको कुछ प्रॉब्लम है। अब ये नहीं पता बेचारी को क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये अब मैं गाड़ी लेके आ रहा था, अगर मैं ना देखता तो गाड़ी के नीचे आ सकती थी। उड़ के चली तो गई है देखो, लेकिन नीचे गिर गई, कनक में गिर गया, दिखाता हूँ आपको।
चिड़िया जो गिरी थी अभी उड़ के वो यहाँ पे गिरी है, देखो ये रही, ये शायद बीमार है चिड़िया, पता नहीं चल रहा लेकिन इसको हुआ क्या। बैठ गया वैसे भी, बच जाएगी, चलो सेफ हो गया है, क्योंकि अगर कोई डॉग वगैरह आता तो प्रॉब्लम थी इसको। अब इसमें चली गई है, वो रेस्ट करेगी थोड़ा और उसके बाद उड़ जाएगी। अब इसका रीज़न पता नहीं क्या हो सकता है, रीज़न नहीं बता सकता क्या रीज़न होगा ऐसा होने का उसको, क्योंकि हो सकता है कोई दवाइयाँ वगैरह भी गिरते हैं खेतों में, उस वजह से हो सकती है। यहाँ पे हम रुके हैं अभी, टिकटदार से पहले है, लेकिन यहाँ से देखो बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है, मतलब जो प्लेन एरिया सारा बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। वहाँ पे एक कुछ तालाब जैसा है, कुछ है पता नहीं क्या, वो बहुत बढ़िया इलाका है, देखो बहुत ज़बरदस्त जगह है। टिकटताल की जो पहली झलक है वो यहाँ से दिखती है। यहाँ पे हम रुके हैं, देखो अभी एक विलेज था पीछे और ये टिकट ताल दिख रहा है, बहुत ही सुंदर ताल है, बोटिंग कर रहे हैं यहाँ पे सभी लोग। कुछ फोटोग्राफ भी क्लिक करते हैं यहाँ की। क्या कर रहा है माहिर? माहिर बातें कर रहा है। तो कहाँ पहुंचे हम? टिकटताल पहुंच गए। देखो माहिर फर्स्ट टाइम आया आज टिकटताल, मम्मी पापा तो आते रहे हैं पहले घूमने। हाँ अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पे, पर पहले पहले हाँ पहले ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी। हिल्स का व्यू है ना, बड़ा अच्छा है। तो अभी उधर से तो आ गए हैं हम, जो झील है उसको देख के कैसी लगी थी? बढ़िया बढ़िया है, पहले पहले की देखी पहले भी देखी, लेकिन जो पहले का व्यू होता है थोड़ा अलग होता था, क्योंकि ऊपर इन्होंने भी ये बना दिया है यहाँ पे, तो बड़ा अच्छा लगता है अब। लेकिन जो इधर वाला है इधर वैसे ही है अभी, ये बड़ा अच्छा लगता है, ग्रीनरी सी होती है यहाँ पे, एक बुग्याल की तरह है, आराम से बैठ सकते हैं हम, एंजॉय। माहिर खुश हो गया? माहिर माहिर को धूप लग रही है। माहिर माहिर ये कहता है बिठाओ इसको, मैं आज होने थोड़ी ना आया हूँ, पिकनिक मनाने आया हूँ, पिकनिक मनाने आया हूँ। माहिर देखो नेचर में आके कितना खुश हो रहा है, देखो जामुन के पत्ते खा रहा है ये, क्योंकि शुगर में काम आते हैं ये ये सोच रहा है मैं अभी से ही अपना ध्यान रखूंगा, ये खुश हो रहा है, देखो कैसे मुंह बना रहा है, मुंह में पत्ता डाल के टेस्ट आया, तोड़ दिया। ये देखो यहाँ पे बोर्ड भी लगा,
टिकट ताल घूम के हम आ गए हैं, अब हम जा रहे हैं फिर आगे। एक यहाँ पे पार्क भी है आगे, लेकिन अभी डिसाइड नहीं हुआ कहाँ जाना है। पहले मॉर्निंग हिल्स जाते हैं ऊपर, फिर देखते हैं उसके बाद कहाँ जाना है। चले फिर। यस। और खाने के अंदर क्या है आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो आगे जाके दिखाते हैं आप। यहाँ पे एक नेचर पार्क है, आज हमारे पास टाइम कम है नेचर पार्क में जाने के लिए, तो नेचर पार्क में हम जाएंगे नेक्स्ट टाइम। आज खाने में क्या है, आज खाने के अंदर सबसे पहले बात करते हैं माहिर की, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी है पहले। और माहिर के लिए क्या है, माहिर की मम्मा बताएंगे। माहिर के लिए हम सेरेलेक बनाएंगे। अब माहिर सेरेलेक खाओगे आप? सेरेलेक खाओगे? बनाओ फिर, कैसे बनाएगा? ये है सेरेलेक और ये है वाटर और हम इस मिक्स कर देंगे इसको और ये बन जाएगा। सेरेलेक रेडी हो गया, अब माहिर को खिलाएंगे। हो गया रेडी? हो गया रेडी? हो गया रेडी? हो गया माहिर की चीची। माहिर ने अभी वैसे खाना स्टार्ट करा है सेरेलेक ना कुछ टाइम से ही। और खिलो। मीठी मीठी चीची, टेस्टी टेस्टी। माहिर ने खाना खा लिया है और आज अब हमारे पास कुछ हेल्दी है। हमारे पास खाने के लिए क्या है? ओनली हेल्दी थिंग्स। क्या क्या है? एक तो ग्रेप्स हो गए और एक अपना सरपोडीला, चीकू, चीकू और एक हमारा फ्रेंड भी बाहर आया है। एक हमारे पास एक चीज और है। आ जाओ इधर आओ। एक हमारे पास और क्या? नट क्रैकर। नट क्रैकर भी है, लेकिन अब मैं इसको कुछ खिलाना चाहता था पर इसको क्या खिलाऊं? देखो हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं कि जो डॉग खा ले, फिर भी मैं इसको ग्रेप्स देके देखता हूं। ये लो। पता नहीं भी खाएगा नहीं खाएगा। ये लो। कोशिश कर रहा है वो, बहुत स्वाद है वो। एक और दो तोड़ के दूँ, तोड़ के दूंगा। अब मैंने उसको तोड़ के दिया, उसको मीठा मीठा लगेगा शायद, खा ले वो। टेस्ट तो कर लिया, खाया नहीं। खाने में वैसे हमेशा हम जो है लंच लेके आते थे हमेशा पहले जब घूमने जाते थे, और वो हिमाली बनाती थी। यार हिमाली हमारे साथ है तो इसीलिए हम सिर्फ फ्रूट्स लेके आए हैं। पर ऐसी कोई बात नहीं, पहले से एक्चुअली मालूम नहीं था, इनको पहले से हम रेडी करके रख लेते। एकदम से हमारा ट्रिप बना था आए तो इसलिए हमने फटाफट फ्रूट ले लिए और रास्ते से कुलचे वगैरह खाए थे। अब आगे देखते हैं कुछ और खाएंगे जब भूख लगती है। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। अब मॉर्निंग में ही हम पहुँचे हैं, यहाँ पे फोर्ट है। ये देखो कि एक फोर्ट है जिसकी कंडीशन पहले अच्छी नहीं होती थी इतनी, लेकिन अब लग रहा है मेरे को बहुत अच्छी कर दी है। और देखो कितना, मतलब यहाँ पे एक लेपर्ड का वो दिखाया है यहाँ पे, और यहाँ पे एक बर्ड्स का ब्रीडिंग सेंटर है शायद। देखते हैं यहाँ पे क्या है अभी फिलहाल। आ जाओ। और एक टेम्पल है यहाँ पे, शिव मंदिर है शायद, शिवालय लिखा है उसके बाहर। ये फीजेंट ब्रीडिंग सेंटर मॉर्नी हिल्स शायद बंद है अभी। अब जो फोर्ट है ये, ठीक है, फोर्ट के बाहर देखो ये ब्लैक फ्रेंक कॉल इनकी, इन्होंने कुछ वो लगाई हैं मतलब मूर्ति टाइप में स्टैचूस है। देखते हैं ओपन है नहीं, लॉक लगा हुआ था अभी यहाँ पे, अभी लॉक ओपन हुआ है। क्या बंद क्यों कर रखा था? 5 बज गए जी, 5 बजे का लॉक बंद। अच्छा 5 बज चुके हैं। ये देखो आप ले लो, अभी बंद लॉक करके गया। अच्छा अभी कोई बात नहीं, तो वहाँ पहुँचा भी नहीं था। चलो आ जाओ। कितने कितने साल पुराना है जी किला? नाहन के राजा का होता था, तो नाहन के जो राजा थे उनका किला होता था ये। पहले तो बिल्कुल कंडीशन इसकी ख़राब हो गई थी। अच्छा लगी है? देखो यहाँ पे उन्होंने हिरन बनाए हुए हैं। कुछ पेंटिंग्स हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं ये मतलब फॉरेन से आते हैं उड़ उड़ के, और ये सारस क्रेन है शायद ये वाला। सुनो ले पड़ा ऊपर सेवस। ये क्रोकोडाइल है देखो,
वो क्या सामने नॉटिलस फिश ये है यहाँ पे एक टर्टल ये होता है देख वो ये क्या नाम है सीवेट कैट है वो सामने और ये सामने है अजगर रॉक पाइथन और ऐसा क्यों लग रहा है असली लग रहा तो देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है असली हो है ना है तो नकली और एक ये इसको बोलते हैं बिज्जू ये है बिज्जू ये बिज्जू है देखो ये और ऊपर टाइगर टाइगर का शिकार किया हुआ है ना और ऊपर वल्चर है वो वल्चर है ऊपर देखो ऊपर देखो टाइगर होता है देखो ऊपर वो खा देगा ये लंगूर है हिमालयन लंगूर ये चीतल है लाइट नहीं अंदर यहाँ पे अच्छा मस्क डियर है ये लेपर्ड एक शिकार कर रहा है काले हिरन का ये देखो एक लेडी बैठी है सामने जैसे रानी हो अभी अच्छा बनाया हुआ है वो किले के अंदर मतलब इस तरह से बनाया कि अच्छा लगे वो सामने चीतल है मतलब वो होते हैं ना इस तरह वो इस तरह फेल पास होता था वो बड़ा करके दिखा रखा है वो डिम्बक है ये डिम्बक का घर होता है देखो ये तो असली लग रहे हैं कौन से ऐसा होता था फोटो पहले ना इतना पुराना था फोटो इसको बता रहे हैं नहीं बताते हैं हमने तो देखा है सही है अच्छा देखा आपने इस तरह का था हाँ ये तो देखा हमने मतलब अभी इसकी कंडीशन मतलब कुछ सालों पहले ठीक करी है बस ये 17-18 महीने ये अब बनाया जो होगा अच्छा ऊपर से ऐसा दिखता है अगर ड्रोन कैमरा होता हमारे पास ऐसा दिखता है काकड़ भी यहाँ पे प्रोकोपाइन लंगूर जंगली बिल्ली तेंदुआ हो गया ठीक है ये और एक और देख क्या है मनीटर छिपकली ये बहुत है यहाँ पे मनीटर छिपकली मॉर्निंग में बर्ड्स बैठे हैं कुछ